गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेस्टिस प्रोडक्ट्स लवर चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा चाय के बारे में। चाय के बारे में आप बहुत सारे बातें और कथा सुनी होगी। दुनिया में पानी के बाद पीने वाले सबसे ज़्यादा चीज़ है चाय, लेकिन ये चाय भी आजकल मिलावट से बच नहीं पा रहे। समय समय पर किया जाने वाला जांच पर पता चला है कि चाय पर तरह तरह का केमिकल मिलाया जा रहे हैं। गुजरात के सूरत में पकड़ी गई है जहरीली चाय की बहुत बड़ी खेप। साथ ही पकड़ा गया है चाय पत्ती को जहरीला बनाने वाला रसायन। इस मामले में पुलिस ने जयंती भाई नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। जयंती भाई बाजार से 60 रुपए किलो की चाय पत्ती खरीद कर उसमें टेट्रोजीन पाउडर और सनसेन येलो पाउडर मिलाता था। पर रंग तो गहरा हो जाता था, लेकिन वो बन जाती थी जहर। चाय पत्ती में शिनेटिक नाम का रसायन भी डालता था। पूछताछ में पता चला है वो मिलावट का सारा सामान अहमदाबाद और अंकलेश्वर से मंगाता था। पुलिस को उसके पास से 6000 किलो चाय पत्ती बरामद हुई है। क्या आप चाय पीते वक्त उस ब्रांड का चाय का कभी आप न्यूट्रिशनल वैल्यू पर कभी ध्यान दिया है? कभी नहीं दिया होगा। क्या उस चाय का एरोमा कैसा है? क्या उस चाय में विटामिन है? क्या उस चाय में कार्बोहाइड्रेट है? कार्बोहाइड्रेट है तो कितने लेवल का है? क्या उस चाय में कोलेस्ट्रॉल है? और सबसे खास बात तो यह है, आप जो चाय पी रहे हैं उसमें एंटीऑक्सीडेंट का लेवल कितना है? ये सब कभी आपने ध्यान दिया? कभी नहीं ध्यान दिया होगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो में मैं ये सब चीज़ के बारे में पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, चाय का फायदा और नुकसान के बारे में आपको तो बहुत जानकारी होगी, लेकिन आज हम जिस चाय के बारे में बात कर रहे हैं वह है वेस्टिस कंपनी के जीटा स्पेशल टी के। दोस्तों, वेस्टिस जीटा स्पेशल टी के फायदा के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले बता देता हूँ इस चाय में खासियत क्या है। सबसे पहले बताता हूँ इसके एंटीऑक्सीडेंट क्वालिटी के बारे में। दोस्तों, चाय हमारे शरीर के लिए जो फायदेमंद होता है, चाय में जो एंटीऑक्सीडेंट क्वालिटी होता है, इसके वजह से ये हमारे शरीर के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। वेस्टिस कंपनी का जो चाय बने हैं वो चाय के पेड़ के सबसे ऊपर वाले हिस्से के पत्ते की जो कमल पत्ते होते हैं उससे बने हुए होते हैं, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट क्वालिटी सबसे ज्यादा पाया जाता है। और चाय का बाकी जो कंपनी होता है कोई भी ये दावा नहीं करता है कि उनका चाय सबसे पहले वाला पत्ते की चाय से बने हुए होते हैं। सिर्फ वेस्टिस ही एक ऐसे कंपनी है जो दावा करता है कि वेस्टिस कंपनी की चाय सबसे ऊपर वाले फर्स्ट लीफ से बने हुए होते हैं, और इसके वजह से वेस्टिस जीटा स्पेशल टी में सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट क्वालिटी पाया जाता है। जो लोग ग्रीन टी पीना पसंद करते हैं और जो लोग रेड टी पीना पसंद करते हैं, ये दोनों के लिए इसमें स्पेशल क्वालिटी ऐड किया गया है और दोनों का टेस्ट इसमें मिल सकता है। जीटा स्पेशल टी में वो जी भर के इसका लुफ्त उठा सकते हैं। दोस्तों, आपका जानकारी के लिए आपको बता देता हूँ, हम जो चाय पीते हैं उसमें पॉलीफिनल नामक एक एंटीऑक्सीडेंट रहता है, जिसके वजह से हम चाय का टेस्ट हमको मिल जाता है और ये चाय का स्वादिष्ट बनाता है। और चाय के फ्रेश पत्ते में ये पॉलीफिनल नामक एंटीऑक्सीडेंट 30-40% रहता है। ये पॉलीफिनल एक्चुअली एमिनो एसिड से बनता है सनलाइट के यूज करके। और चाय का पत्ते का जो सबसे ऊपर वाला पत्ते अर्थात फर्स्ट लीफ होता है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट का मात्रा इसीलिए सबसे ज्यादा पाया जाता है। और धीरे धीरे उसके नीचे वाले पत्ते का पॉलीफिनल एंटीऑक्सीडेंट का कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम हो जाता है, जितना नीचे आता है उतना कम हो जाता है। कुल मिला के चाय में 30,000 के करीब पॉलीफिनोलिक कंपाउंड पाया जाता है और वह विभिन्न प्रकार के होते हैं, और उनमें से सबसे ज्यादा पाया जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट होता है फ्लेवोनॉइड्स। फ्लेवोनॉइड्स की वजह से हमारा चाय एंटीऑक्सीडेंट होता है, इसीलिए जो चाय छाया में होता है उसमें एमिनो एसिड ज्यादा होता है, पॉलीफिनोल्स की मात्रा कम होता है, और जो धूप में होता है उसमें पॉलीफिनोल्स का मात्रा ज्यादा होता है और एमिनो एसिड का मात्रा कम हो जाता है। और सबसे ज्यादा पाया जाता है जो फर्स्ट लीफ अर्थात ऊपर वाले पत्ते कोमल पत्ते होते हैं। चाय के अंदर जो टिनिन नामक एक पदार्थ पाया जाता है उसके बारे में आप जरूर सुना होगा, वो भी फ्लेवोनॉइड्स का ही एक ग्रुप का नाम होता है, जिसमें फ्लेवानोल्स, फ्लेवोनोल्स, फ्लेवोन्स और आइसोफ्लेवोन्स इत्यादि पाया जाता है। इसीलिए दोस्तों, वेस्टिस कंपनी का जीटा स्पेशल टी होता है वो सिर्फ ऊपर वाले कोमल पत्ते से बने हुए होते हैं। आपका जानकारी के लिए ये भी बता देता हूँ कि सिट्रस फ्रूट के ऑरेंज में सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, और 4 ग्लास ऑरेंज जूस में जितना एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, सिर्फ 1 कप जीटा स्पेशल टी में उतना ही मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। दोस्तों, उसके बाद अभी बात करते हैं एरोमा की, अर्थात चाय का जो फ्रेग्रेंस अर्थात एक तरह का खुशबू होता है, जो चाय में वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल पदार्थ के रूप में पाया जाता है, जो चाय में खुशबू लाते हैं, और ये एरोमा भी वेस्टिस कंपनी का जीटा स्पेशल टी में सबसे अच्छा पाया जाता है। इसीलिए चाय का एरोमा को मास्टर ऑफ केमिस्ट्री डाइवर्सिटी भी
बोला जाता है, जिसके वजह से ही चाय लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आता है और ये वेस्टीज जीटा स्पेशलिटी में सबसे अच्छा फॉर्मूला में तैयार किया गया है। चलिए दोस्त अब बात करते हैं जीटा स्पेशलिटी के फायदा के बारे में। दोस्तों जीटा स्पेशलिटी में कोलेस्ट्रॉल का मात्रा बिल्कुल जीरो होता है और जो लोग नियमित रूप से जीटा स्पेशलिटी पीते हैं उनके हार्ट अटैक का चांस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। जीटा स्पेशलिटी में जो पॉलीफिनल नामक एंटीऑक्सीडेंट रहता है उसके वजह से ये एंटी एजिंग का काम भी करता है, अर्थात बहुत उम्र होने के बावजूद भी ये यंग दिखने में मदद करता है। जीटा स्पेशलिटी रेगुलर पीने से कैंसर जैसा प्रॉब्लम भी कभी नहीं आता है और जीटा स्पेशलिटी में जो एंटीऑक्सीडेंट होता है वो विटामिन सी से 100 गुना और विटामिन ई से 24 गुना प्रभावी होते हैं, जो कैंसर की बीमारी से शरीर को बचाता है। जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए भी ये जीटा स्पेशलिटी बहुत एक रामबाण साबित है। जीटा स्पेशलिटी शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है वो एक दिन में 70 कैलोरी तक जला देते हैं और एक साल में 3 से 4 केजी वेट को लूज करने में ये मदद करता है और उच्च मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होने के वजह से ये स्किन को भी बहुत मुलायम रखने में मदद करता है और शरीर में कोई भी रिंकल्स आने से ये रोकता है। आर्थराइटिस बीमारी को रोकने के लिए भी जीटा स्पेशलिटी बहुत अच्छा काम करता है और उपस्थि को नष्ट करने वाला एंजाइम को ये रोक देता है और हमारे उपस्थि को रक्षा करता है। जीटा स्पेशलिटी पीने से हड्डी मजबूत होता है क्योंकि जीटा स्पेशलिटी में फ्लोराइड का मात्रा भी ज़्यादा होते हैं जो हड्डी को मजबूत करने में मदद करता है। जो लोग डायबिटिक्स अर्थात मधुमेह से पीड़ित हैं उनको भी जीटा स्पेशलिटी रेगुलर पीना चाहिए, वो चाहे तो बिना शक्कर के पीना चाहिए, जिससे डायबिटिक्स को नियंत्रण करने में ये मदद करता है। जीटा स्पेशलिटी में एंटीऑक्सीडेंट का मात्रा बहुत उच्च मात्रा में होता है और ये हमारे मस्तिष्क को पार्किंसंस रोग से भी बचाता है। जीटा स्पेशलिटी रेगुलर पीने से लीवर फेलियर जैसे समस्याओं से भी राहत मिल सकता है और जिसका लीवर में फैट है उसको भी ठीक करने में ये मदद करता है। हाई ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करने में ये जीटा टी बहुत मददगार साबित है। जीटा स्पेशलिटी में हाई मात्रा में कैटेचिन भी पाया जाता है जो वजन को फूड पॉइजनिंग करने वाला बैक्टीरिया को मार देता है और फूड पॉइजनिंग का समस्या से भी हमको बचाता है और जल्दी हमको रोग पकड़ने से ये बचाता है। चलिए दोस्त आप इसके प्राइस के बारे में बताता हूँ। दोस्तों इसका 250 ग्राम का जो पैकेट है वो सिर्फ 120 रुपीस में आता है। कुल मिला के एक बात में बोलूँ तो ये वर्ल्ड क्लास का एक चाय का प्रोडक्ट है और बाकी कंपनियों से ये काफ़ी अच्छा चाय है। दोस्तों वेस्टीज जीटा स्पेशलिटी चाय के बारे में ये जानकारी अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।